हेलो, मैं आपको ये दिखाती हूँ मैंने घर के बगीचे में क्या क्या लगाया है। ये देखो, मैंने धनिया लगाया था, बहुत सुंदर हो गया है धनिया भी। मैंने सारे गमलों में कुछ ना कुछ लगा के रखा है। छोटा सा केले का पौधा है, और ये देखो एक बाथू बाथू होते हैं ना, इसकी मतलब ये भी लगा दिया है मैंने। हर एक गमले में मतलब कुछ ना कुछ, ये मैंने पुदीना लगाया है, अभी अभी लगाया मैंने, थोड़े दिन ही हुआ है तो अभी ग्रो करेंगे अच्छे से। कुछ मैंने पौधे लगा रखा है, आंवले का जो एक लगाया था पहले भी मैंने इसकी वीडियो अपलोड किया था, गुलाब लगाया है, दो तीन गमलों में धनिया ये लगाया मैंने। देखो कितना सुंदर हो गया ना, कितने हरे भरे धनिया हुआ है। साथ में ये केले का पौधा भी बहुत अच्छा हो गया है, और ये बथु बथुआ का, इसका मतलब जितना आप तोड़ते जाओगे ना उतना ही ये मतलब वो होता रहता है। पुदीना जितना तोड़ोगे उतना है, जब भी कभी चटनी वगैरह बनानी हो थोड़े से तो। इसकी आवाज़ मैंने सुना दी है आप लोगों को, और ये मैंने अपने खाने के लिए बनाया है था, मतलब किसी को अगर जैसे हाथ पैरों में दर्द हो, खून की कमी हो, कुछ भी हो, उसके लिए मतलब खा सकते हो आप। ये करी पत्ता है, इसको अच्छे से फ्राई कर लो, बहुत क्रिस्पी सी हो जाती है ये। देखो आवाज़ आ रही है, और खाने में ये कोई कड़वापन नहीं आता बहुत, सिर्फ इसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक डालना है, बाकी कुछ भी नहीं। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, आप इसको खाने के साथ भी खा सकते हो, जैसे दाल या चावल कुछ भी के साथ भी खा सकते हो, और ऐसे भी खा सकते हो आप जितना मन करे। मैं तो ये पूरी खुद ही खा जाती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। खून की कमी हो, हाथ पैरों में दर्द हो, इन सब की कमियों को ये पूरा करता है। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है, जिनके घर पे भी करी पत्ता है तो आप लोग ये खा सकते हो। और इसकी इसको और भी तरीका है फ्राई करने का, अलग अलग तरीके से आप लोग कर सकते हो, तो मैंने इसलिए सोचा कि आप लोग, मैंने रिंग लाइट वगैरह नहीं जलाया है, थोड़ा सा अंधेरा आ सकता है, आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से फ्राई हो गया है, थोड़ी सी ऑयल वगैरह डालकर। बाय। इसकी आवाज़ मैंने सुना दी है आप लोगों को, और ये मैंने अपने खाने के लिए बनाया है था, मतलब किसी को अगर जैसे हाथ पैरों में दर्द हो, खून की कमी हो, कुछ भी हो, उसके लिए मतलब खा सकते हो आप। ये करी पत्ता है, इसको अच्छे से फ्राई कर लो, बहुत क्रिस्पी सी हो जाती है। ये देखो आवाज़ आ रही है, और खाने में ये कोई कड़वापन नहीं आता बहुत, सिर्फ इसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक डालना है, बाकी कुछ भी नहीं। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, आप इसको खाने के साथ भी खा सकते हो, जैसे दाल या चावल कुछ भी के साथ भी खा सकते हो, और ऐसे भी खा सकते हो आप जितना मन करे। मैं तो ये पूरी खुद ही खा जाती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। खून की कमी हो, हाथ पैरों में दर्द हो, इन सब की कमियों को ये पूरा करता है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है, जिनके घर पे भी करी पत्ता है तो आप लोग ये खा सकते हो। और इसकी इसको और भी तरीका है फ्राई करने का, अलग अलग तरीके से आप लोग कर सकते हो, तो मैंने इसलिए सोचा कि आप लोग, मैंने रिंग लाइट वगैरह नहीं जलाया है, थोड़ा सा अंधेरा आ सकता है, आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से फ्राई हो गया है, थोड़ी सी ऑयल वगैरह डालकर। बाय।
और ये सेकंड पार्ट होगा। एक ही बार में मैं बैठ के सारे के सारे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो अपलोड करती हूँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ। और ये है सेकंड पार्ट, इसका लेयर पता नहीं अब निकलेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। ग्रुप्स का भी कर लिया है, ये दो पीस ग्रुप रह गया है, कोई बात नहीं। अभी इसका क्रंच करती हूँ, देखती हूँ कैसा होता है। देखो लॉन्ग बार भी ना इस बार बहुत मतलब काफ़ी मोटे मोटे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा क्रंच करने में भी देखो हो रही है, मतलब इतना सारा इकट्ठे खाना थोड़ी मुश्किल हो रही है। और क्या बोलूँ, घर में ना सबकी तबीयत ख़राब है, मेरी भी अभी भी ख़राब है, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग बोल रहे हो वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो, अपलोड नहीं कर रहे हो। इसी वजह से मेरे बेटे की भी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ टाइम से। जैसे टाइम मिल रहा है बस वैसे मैं वीडियो अपलोड करती जा रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं।